हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देयर आर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द टेट्रासाइक्लिन इन डिटेल। टेट्रासाइक्लिन के बारे में हर एक जानकारी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर तक होपफुली मिल जाएगी और आपको आई सपोज की सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ये टेट्रासाइक्लिन्स क्या हैं, किस तरीके का, कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, इनकी क्या कैटेगरीज हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट। और जैसा कि मैं पहले वीडियो लेक्चर से बात करता आ रहा हूँ कि अगर आपको एंटीबायोटिक के बारे में स्ट्रेंथ अपने कॉन्सेप्ट को देना है तो आपको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे फोकस करना होगा, अदरवाइज एंटीबायोटिक आप पढ़ोगे और बाद में वो भूल जाएगा। तो एंटीबायोटिक के लिए जैसे हम टेट्रासाइक्लिन आज कवर करेंगे, तो टेट्रासाइक्लिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एक जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है किस बात का वो मैं बताता हूं। देखिए, बच्चा अगर जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर टेट्रासाइक्लिन को रख रहा होता है तो वो टेट्रासाइक्लिन को एक एंटीबायोटिक समझता है, वो बात बिल्कुल सही होती है उसकी वहां। लेकिन उसको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो या मिनोसाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन जो ये डेरिवेटिव्स हैं, ये बेसिकली ये भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं। इट मींस वो कंपाउंड जिनके अंदर उनका जो कोर न्यूक्लियस है उसके कोर न्यूक्लियस में इफ दे हैव द फोर साइक्लिक रिंग, जो कंपाउंड फोर साइक्लिक रिंग रखते हैं उस कंपाउंड को बेसिकली हम टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। और टेट्रासाइक्लिन्स जो भी कंपाउंड होगा, इट मींस जो कंपाउंड के अंदर फोर साइक्लिक रिंग होगी उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं लाइक मिनोसाइक्लिन और जो भी टेट्रासाइक्लिन्स की नंबर ऑफ कैटेगरीज है। तो इस तरीके से आप पता कर पाओगे कि टेट्रासाइक्लिन्स एक कैटेगरी का नाम है और जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, जिस तरीके की कई एंटीबायोटिक है, ऑक्सी, मिनो, डॉक्सी, डेमी, वो कई तरीके की टेट्रासाइक्लिन। तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर टेट्रासाइक्लिन, तो सबसे पहले एक बात यह भी आती है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बेसिस क्या है, आप किस बेसिस पे इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह रहे हो। देखिए, बेसिस क्या होता है कि जैसे हम सिप्रोफ्लॉक्सेसिन को भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं, कई बार ऑथर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, जैसे अब सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का जो एक्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज के अगेंस्ट है, तो हमने वहां पे अपनी जो डेफिनेशन दी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के लिए स्पेक्ट्रम को लेके, उसमें बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज को कवर कर रही है। हमने उसमें किसी भी प्रोटोजोआ का, किसी भी हेलमिंट्स का, किसी भी स्पायरोचीट्स का, ये नंबर ऑफ जो अलग अलग ग्रुप हैं उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन जब हम टेट्रासाइक्लिन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल के लिए, तो हम यहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि फंजाई और वायरस को छोड़कर, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि फंजाई और वायरस को छोड़कर जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक अगेंस्ट वर्क करती है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम बोलते हैं। मींस जो असल मायने में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो हमारी टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ही है। तो एक लाइन में अगर आप इस चीज को डिफाइन करो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बेसिस क्या है कि द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड, द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिटेड बाई द एंटीबायोटिक। टाइप्स का मतलब बैक्टीरिया की स्पीसीज से अलग जाना भी है, लाइक फंजाई और वायरस को छोड़ के, लाइक हम हेलमेंट्स की भी बात करेंगे, प्रोटोजोआ की भी बात करेंगे, राइट तो ये इस तरीके से हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन की, राइट तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये लिखा है कि एक्सेप्ट फंजाई और वायरस पे एक्ट, फंजाई वायरस को छोड़ के सब पे एक्ट करते हैं जितनी भी टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला। अब हम बात करेंगे कि फोर साइक्लिक रिंग होती है, ये भी डिफाइन कर चुके हैं। अब इनके ऑप्टेन करने की बात करेंगे तो मोर नंबर ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन की बात नहीं कर रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन्स मैंने बोला तो उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की कैटेगरी आ गई, टेट्रासाइक्लिन आ गया उसके अंदर, सारी टेट्रासाइक्लिन्स आ गई। तो टेट्रासाइक्लिन्स की जो ऑप्ट, ये जो मिलती हैं ये हमको एक
बैक्टीरियाज से मिलती हैं, जो बैक्टीरियाज बेसिकली सॉयल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टेनोमाइसिटीज। तो दे आर मैक्सिमली ऑप्टेंड फ्रॉम द सॉयल एक्टेनोमाइसिटीज। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि ये ऑप्टेन कहां से हो रही है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन नेचर की बात करें तो दे आर एक्चुअली स्लाइटली बिटर इन नेचर। ये बिटर सॉलिड्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल कम होते हैं, लेकिन जब हम इनके हाइड्रोक्लोराइड्स की बात करते हैं, राइट, हम इनके स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करके इनके हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म्स की बात करते हैं तो दे आर मोर सॉल्युबल, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, इट मींस अनस्टेबल होता है। तो हमने यहां पे तीन चार चीजें कही जो आपको माइंड में रखनी है। बिटर सॉलिड्स होते हैं, स्लाइटली बिटर होते हैं, और अगर आप टेट्रासाइक्लिन के इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को यहां पे समझकर कॉन्सेप्ट में रखते हैं तो आपको क्लोरामफेनिकॉल पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि क्लोरामफेनिकॉल में यहां पे इंटेंस सॉलिड हो जाएगा, यहां पे वाटर सॉल्युबिलिटी लेस है लेकिन वहां पे वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, एक्वस सॉल्यूशन यहां पे अनस्टेबल है लेकिन वहां पे एक्वस सॉल्यूशन स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम उस क्लोरामफेनिकॉल का जब सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा तब हम उसमें बात कर लेंगे, लेकिन बहरहाल आपका ये उससे लिंक्ड है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो स्लाइटली बिटर सॉलिड्स होते हैं, लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स इनके मोर सॉल्युबल होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन इनका अनस्टेबल होता है। अब हम बात करेंगे कि टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर बेसिकली कौन कौन सी टेट्रासाइक्लिन्स आती हैं। तो लाइक टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर हमारी टेट्रासाइक्लिन आती है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन आती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है, डेमिक्लोसाइक्लिन आती है, डॉक्सीसाइक्लिन आती है, और मिनोसाइक्लिन्स आती है। जो हमारी सबसे एडवांस कैटेगरी है, जो बिल्कुल एडवांस कैटेगरी है, वो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन्स की है। तो डॉक्सीसाइक्लिन्स और मिनोसाइक्लिन्स की एडवांस कैटेगरी का बेसिस ये है कि इनके अंदर बेसिकली हम अगर मिनोसाइक्लिन की बात करें तो हाईली लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब ये लिपिड के अंदर जो पेनेट्रेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, मिनोसाइक्लिन्स में, इस मिनोसाइक्लिन्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इसकी जानेंगे तो कई चीजें इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब बट ऑब्वियसली बात है, अगर आप हम इसकी बात को ये कह रहे हैं कि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इट मींस हम ये कह रहे हैं कि ये फैट जो टिश्यूज हैं, जो फैटी टिश्यूज हैं, वहां पर ये जाके इनका डिपोजिशन होगा, राइट। तो उसकी हम बाद में रिलेट करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां पे जानना है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन्स। ये आपकी टेट्रासाइक्लिन्स की वेरियस नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं उस ग्रुप की। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसमें कोई भी टेट्रासाइक्लिन हो, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये चीज जानना होगा कि जो बैक्टीरिया के अंदर मींस जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, उनकी दो सब यूनिट होती हैं। ये हमारा बेसिक का पार्ट है। अब यहां पे हमारा रेलिवेंसी नहीं है कि मैं उस चीज में फुल लेंथ लेक्चर लूं, अभी जस्ट आपको जो कंसेप्ट रिलेट करके समझने के लिए समझना होगा वो मैं बता दूंगा कि बेसिकली प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, उनका जो डिवीजन होता है वो 50S 30S सब यूनिट में होता है। लाइक आई रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज 50S सब यूनिट एंड दिस इज 30S सब यूनिट, दिस इज लार्जर सब यूनिट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। एंड वेन एवर देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मीन्स ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन का स्टेप होगा, देन देयर विल बी इवेंचुअली द mRNA template, this black color line is representing the mRNA template, and in the mRNA template there will be sitting of what, ribosome, prokaryotic ribosomal, which is made up of 50S and 30S subunit. In the ribosome there will be the two sites, here I represented from the blue color, this A site and this P site. This A site is called acceptor site and this is peptidyl sites. So what is the meaning of A साइट, what is the meaning of P साइट, इनका mechanism of action से कैसे relation है, मैं just अभी explain करता हूं। A साइट जो होता है इसको हम acceptor साइट बोलता है। देखिए एक basic अगर concept समझे तो protein की जो synthesis हो रही है translation mechanism के through, उसमें बस यही हो रहा कि आप cytoplasm की amino acid को पकड़ पकड़ के combine कर रहे हैं, और उस combine करने के चूंकि polymerized form of amino acid, what polymerized amino acid का जो form है वो protein है। तो इसी लेकिन अब साइटोप्लाज्म से जो अमाइनो एसिड पकड़ के इस राइबोसोम के एक्सेप्टर साइट तक ला रहा है,
और वो एक्सेप्टर साइट से ट्रांसफर होकर पेप्टाइडल साइट पे जा रही है, जैसा कि यहां मैंने दिखा रखा है कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ब्लैक कलर राउंड शेप, ये प्रोटीन्स हैं। लेट सपोज कि तीन प्रोटीन, तीन अमाइनो एसिड यहां पे आ चुकी, अब चौथी अमाइनो एसिड को यहां पे आना है। तो सबसे पहले पार्ट ये होता है कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को होल्ड करेगा, पकड़कर लाएगा, और जब लाएगा तो कहां पर रखेगा, एक्सेप्टर साइट पे। एक्सेप्टर साइट पे अमाइनो एसिड होगी, जो नई अमाइनो एसिड आई है जिसको इस चैन से जुड़ना है। अब ट्रांसलोकेशन स्टेप होता है जिसमें ये पूरी चैन शिफ्ट होती है इस ए साइट पे, तो साथ में अब ये जो चार नंबर की अमाइनो एसिड थी वो इस तीनों से जुड़ जाएगी, और फिर ये पूरी असेंबली चली जाएगी फिर से पी साइट पर, और फिर से टीआरएनए लाएगा नया अमाइनो एसिड, फिर से जंप करके इस पे आएंगी और फिर से ये इस पे चली जाएंगी। इस तरह से ये प्रोटीन की चैन जो है लंबी होती चली जाएगी। ये बेसिक चीज है। तो अब यहां पर क्या समझना है हमको कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो जो टीआरएनए दैट इज टेकिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए दैट टीआरएनए टेक्स द अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड पुट इट ओवर द एक्सेप्टर साइट। टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट द पुटिंग ऑफ अमाइनो एसिड ओवर द एक्सेप्टर साइट, और जब अमाइनो एसिड जो टीआरएनए कैरी करके ला रहा है और वो इस एक्सेप्टर साइट के नहीं अटैच होंगी, इट मींस जब एक्सेप्टर साइट पे अटैच नहीं होंगी तो इस चैन से वो अटैच नहीं होंगी। मींस आप ये कह सकते हो कि जो लेंथनिंग ऑफ प्रोटीन चैन फॉर्मेशन था वो नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन चैन का, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होगा, इनहिबिशन। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेम लाइन में टेट्रासाइक्लिन्स एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू द 30S सब यूनिट। कुछ ऑथर इसको 50S सब यूनिट बोलते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम जो अगर सिंगल एमसीक्यूज में केवल 30S है, कंबाइंड आंसर नहीं है 30S और 50S का, तो आपको आंसर यही मान के चलना है कि 30S। 30S के साथ इन द 30S पोजिशन द टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स एंड डज नॉट अलाउ द कीपिंग द टीआरएनए अमाइनो एसिड कैरिंग बाय द टीआरएनए ओवर द एक्सेप्टर साइट। तो जब ये एक्सेप्टर साइट पे नहीं होगी तो ये इससे अटैच नहीं होगी और प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, चैन का फॉर्मेशन है, वो नहीं होगा। हम कह देंगे कि पेप्टाइड चैन फेल्स टू ग्रो। तो आपका सिंपल मैकेनिज्म टेट्रासाइक्लिन का ये है कि टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स विद द 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड डज नॉट अलाउ द अमाइनो एसिड टू बाइंड विद द एक्सेप्टर साइट, सो दैट देयर विल बी द इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइड चैन फॉर्मेशन। इट मींस वी कैन से देयर विल बी द फेलिंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ पेप्टाइड चैन। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हुई। अब बात हुई कि अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सेलेक्टेड बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने एंटीबायोटिक ली और ह्यूमन मैमेलियन सेल का जो है वो ट्रांसलेशन का स्टेप ब्लॉक करवाना है हमको। हमको तो प्रोकैरियोटिक जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है उसमें हम सेलेक्टेड टारगेटेड थेरेपी की बात कर रहे हैं, कीमोथेरेपी में, टेट्रासाइक्लिन्स में। तो वो किस तरीके से वहां पर पहुंचती है, लेट सपोज ये बेसिकली टेट्रासाइक्लिन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर वो एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी डिपेंड टेट्रासाइक्लिन का जो अपटेक होता है इनसाइड द बैक्टीरिया, दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म। अ स्पेसिफिक कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बैक्टीरिया। तो एक मैकेनिज्म तो यह होती है जो कि स्पेसिफिक करती है कि हाँ टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट मैमेलियन सेल पे नहीं होने वाला है। एक थ्योरी जो और सपोर्ट करती है, बिकॉज इन द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोरिंस, पोर लाइक स्ट्रक्चर, एंड फ्रॉम दैट पोरिंस देयर विल बी द एंट्री ऑफ व्हाट, टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये जो मैकेनिज्म है ये सपोर्ट कर रही है किसको, कि वो टारगेटेड होती है टुवर्ड्स द बैक्टीरिया और टुवर्ड्स द इन्फेक्टिंग पैथोजन। इसी तरह अब हम पैसिव डिफ्यूजन से भी कुछ एंटीबायोटिक क्रॉस करती हैं, उसमें से बेसिकली वो एंटीबायोटिक हुई जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात हमने किसमें की, मिनोसाइक्लिन्स में। तो लाइक मिनोसाइक्लिन इज मोस्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफ्यूजेस पैसिवली, while most of the tetracycline through the energy dependent mechanism. If we talk about the gram negative bacteria, there is a presence of pores that allow the antibiotic to come inside the pathogen, inside the cells of the pathogen. तो ये mechanism है जो उसको concentrate, उस antibiotic को bacteria के अंदर concentrate करने में help करती है। तो आपको ये चीज भी समझना होगा।
किस तरीके से हमने ये बोला कि ये सेलेक्टिव टू बैक्टीरिया है, उसके लिए जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, देखिए एनर्जी डिपेंड के लिए मैंने बोला कि स्पेसिफिक कैरियर होता है, तो आपका कैरियर ऑफ टेट्रासाइक्लिन स्पेसिफिक होता है जो कि मैमेलियन सेल पे नहीं होता। नंबर टू, लेस ससेप्टेबल की बात कर रहे हैं कि यहां पे जो प्रोटीन असेंबली होती है, जैसे ये प्रोटीन असेंबली हमने प्रोकैरियोटिक की बात की, जो यूकैरियोटिक, जैसे वी आर यूकैरियोट, तो यूकैरियोटिक की जो प्रोटीन असेंबली होती है वो ज्यादा ससेप्टेबल नहीं होती, किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन्स के लिए। लेकिन ये किसके लिए ससेप्टेबल होती है, प्रोकैरियोटिक असेंबली ससेप्टेबल होती है किसके लिए, इस एंटीबायोटिक के लिए। तो ये जो दो थ्योरी है वो सपोर्ट करती हैं कि ये टारगेटेड होती हैं स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द बैक्टीरिया ओनली, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन पार्ट विच इज द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब किसी भी एंटीबायोटिक में, मैंने ऑलरेडी ये चीज कह रखी है कि अगर आपको एंटीबैक्टीरियल किसी एंटीबायोटिक के कंसेप्ट को स्ट्रेंथ देना है तो आपको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में उस चीज के डेप्थ में जाना होगा। अब चूंकि उस पर्टिकुलर एक एक बैक्टीरिया के हम पढ़ के डिटेल में जाना वो इसमें पॉसिबल नहीं है इस वीडियो लेक्चर में, तो हम क्या करेंगे कि उस हर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को कवर करेंगे, उनके बारे में बेसिक आइडियाज को जानेंगे, तभी हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया है तो ये डिजीज काज कर रहा है, इस वजह से हम टेट्रासाइक्लिन यहां यूज कर रहे हैं इस डिजीज के अगेंस्ट, तब आप रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज आप कहोगे कि टेट्रासाइक्लिन को तो आपने टाइफाइड में भी यूज कर लिया, टेट्रासाइक्लिन को आपने जो है गोनोरिया में भी यूज कर लिया, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गोनोरिया और टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। देखिए एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो पहले बात तो हमने कह दिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो चाहे तो कोकाई हो, चाहे तो बैसिलाई हो, चाहे तो स्पायरोचीट्स हो, चाहे तो आपका रिकेट्सिया हो, चाहे तो प्रोटोजोआ हो, हर कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरियाज को, प्रोटोजोआ एक अलग ग्रुप है, स्पायरोचीट्स एक स्पायरल से बैक्टीरियाज होते हैं, वेवी लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, रिकेट्सिया होते हैं, तो एक इस तरीके का एक अपना नॉन स्पोर बैक्टीरिया होते हैं ये रिकेट्सिया जो होते हैं बेसिकली, तो इनके बारे में हमको डिटेल ना जाते हुए हमको इस चीज को समझना होगा कि कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज को ये कवर कर रहा है। तो देखिए जैसे कोकाई में कवर कर रहा है स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस को, जो कि माउथ और थ्रॉट में अल्सरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट ऑब्वियस है कि अगर कोई बैक्टीरिया जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके स्पेक्ट्रम, उस टेट्रासाइक्लिन उसका स्पेक्ट्रम कवर कर रहा है, मींस उसको इनहिबिट कर रहा है, तो ये निमोनिया में यूज होगा, इसीलिए हमने लिखा यहां एटिपिकल निमोनिया इसके क्लिनिकल यूज में। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना के लिंक बना पाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे कोकाई में लाइक स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकॉकस ऑरियस, एंटेरो कोकाई गैस इंटेस्टाइन के इशूज। इफ वी टॉक अबाउट द बैसिलाई प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्ने, जो एक्ने के इशूज होते हैं प्रोपियोनोबैक्टीरियम की वजह से होता है, तो एक्ने में भी कई बार यूज करते हैं। एंथ्रैकिस एंथ्रैक्स के केस में, माइकोबैक्टीरियम लैप्री लैप्रोसी के केस में, कोरोनोबैक्टीरिया डिफ्थेराई डिफ्थीरिया एच डुक्री एसटीडी की इशूज क्रिएट करता है, जेनाइटल पार्ट में अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरी कॉलरिया के लिए यर्सिनिया पेस्टिस और आप ब्रुसेलोरा एच पाइलोरी। तो ये जो नंबर, जैसे हम ब्रुसेला की बात करें तो ब्रुसेला क्या है, ये अनराइप्ड जो आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं या जो मीट्स हैं, अगर आप अनराइप्ड मीट खाते हैं तो उसकी वजह से एनिमल से ह्यूमन में होने वाली ये इशूज हैं, ब्रुसेला वगैरह। तो इनके लिए बहुत अच्छा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए ब्रुसेलोरिस वगैरह में फर्स्ट च्वाइस होती है टेट्रासाइक्लिन। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। लाइक स्पायरोचीट्स में हमारे ये एक अलग ग्रुप है बैक्टीरियाज का, रिकेट्सिया प्रोटोजोआ तो आप जान ही रहे हो, स्पायरोचीट्स ट्रिपोनिमा पैलेडियम एसटीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोरेलिया रिकरेंट्स बेसिकली जो क्यू फीवर वगैरह होते हैं या रिलैप्सिंग फीवर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया का ग्रुप है। रिकेट्सिया लाइक टाइफस क्लैमाइडी प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड प्लाज्मोडिया। तो ये नंबर जाए, चाहे कोकाई बैसिलाई स्पायरोचीट रिकेट्सिया और आपका प्रोटोजोआ, हर तरीके में ये आपका क्या हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक में कुछ कंसेप्ट आपको समझना होगा, उसमें के बेसिकली बात यह है कि जो वेल एब्जॉर्ब है जीआईटी के थ्रू, आप जीआईटी के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन सही है, लेकिन आपको कंडीशन ये जाननी है कि एब्जॉर्प्शन तब सही है जब फूड की प्रेजेंस ना हो। इट मींस आप कह सकते हैं कि फूड जो है इसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, रोकता है। तो आप कभी भी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की कोई एंटीबायोटिक अगर एडवाइस करते हैं तो उसको बिफोर 1 to 2 आवर बिफोर फूड इंटेक या आफ्टर फूड इंटेक के बाद करते हैं, अलॉन्ग द फूड इंटेक नहीं करते।
तो आप सबसे पहली चीज है कि फूड इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन, और बेसिकली इसमें जो ओल्ड एंटीबायोटिक है उनके साथ ये प्रॉब्लम है, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन के साथ ऐसा नहीं है, फूड उनके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट नहीं करता क्योंकि ये एडवांस कैटेगरी या हाईली लिपिड सॉल्युबल है। टेट्रासाइक्लिन के साथ जो बेसिक्स है वो एक एक चीज ये भी है कि ये चिलेट फॉर्म करता है, मल्टीवेलेंट कैटायंस के साथ चिलेट का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम बात करें अगर कैल्शियम की, कैल्शियम का प्रेजेंस मिल्क में भी होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि मिल्क के साथ आपको टेट्रासाइक्लिन, एडवाइस नहीं किया जाता कि आपको मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन को लेना है। उसकी वजह होती है कि जो चिलेट का फॉर्मेशन होता है, टेट्रासाइक्लिन जो मल्टीवेलेंट कैटायंस के साथ मिलकर चिलेट का फॉर्मेशन करता है, वो चिलेट अनएब्जॉर्बेबल होता है प्लस इनसॉल्युबल होता है। तो वो अनएब्जॉर्बेबल और इनसॉल्युबल जो चिलेट होगा वो डिपॉजिट होगा इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेनली इट एब्जॉर्ब इन द लीवर, इन द स्प्लीन, इन द बोन, इन द टीथ। और बोन और टीन के साथ ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इन द बोन एंड टीथ दिस चिलेट्स और दिस टेट्रासाइक दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिफॉर्मिटी इन द बोन एंड डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि किस तरीके से बोन और टीथ में ये इश्यूज करते हैं। कई बार कुछ केसेस देखे गए हैं फैटी इन्फिल्ट्रेशन के इन केस ऑफ लीवर में ड्यू टू द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करेंगे इसके एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक इज एक्सक्रीटेड थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू ज्यादातर एंटीबायोटिक का एक्सक्रीशन होता है, एक्सेप्ट हम डॉक्सीसाइक्लिन की बात करेंगे। अब अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन को बोल रहे हैं कि इसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से नहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हो कैसे रहा। इसका थ्रू द फीसेस इन द बाइल होता है, बाइल के थ्रू होता है, थ्रू द फीसेस। अब आपको इतनी बात क्लियर है, लेट सपोज आपकी ये किडनी को भी डैमेज करते हैं, ये जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं, जैसे हम जब इसमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो लीवर को तो डैमेज करते ही हैं, स्प्लीन को करते हैं, बेसिकली ये किडनी को भी डैमेज करते हैं। और किडनी डैमेज के लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वो पॉइंट मेरे से यहां पे रह गया है, लेकिन मेरे को अभी मैं क्लिक किया तो मैं आपको वो कर दे। टेट्रासाइक्लिन के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि टेट्रासाइक्लिन ये बिल्कुल ध्यान दिया जाता है कि एट सच एक्सपायरी डेट के पास या एक्सपायर्ड नहीं है, क्योंकि जो ईपी टेट्रासाइक्लिन या उसके जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो रीनल टिब्यूल इनसफिशियंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फैनकोनी सिंड्रोम कॉज करते हैं। तो फैनकोनी सिंड्रोम के लिए आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन मैक्सिमली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये चीज समझना है। अब आपको ये चीज समझ में आई कि जो एंटीबायोटिक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट होंगी वही वो जाके रीनल सिस्टम को डिफेक्ट करेंगी, और रीनल सिस्टम में डिफेक्ट होने के लिए आपको यह भी जानना पड़ेगा कि रीनल सिस्टम में डिफेक्ट तभी करेंगी जब आपको किडनी के इश्यूज पहले से हो। फ्रेश किडनी में टेट्रासाइक्लिन किडनी पे ज्यादा डेंजरस इफेक्ट नहीं देती, लेकिन अगर किडनी का इश्यूज कोई पहले से और आप टेट्रासाइक्लिन इंटेक करना स्टार्ट किया आपने, तो आपको इश्यूज ज्यादा आने वाले हैं। तो बात इतनी है कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेट्रासाइक्लिन जो कि एक्सक्रीट हो रही है कहां से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू, इट मींस रीनल सिस्टम से। अब अगर रीनल इनसफिशियंसी है, इट मींस आपकी वो जो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ने वाली है क्योंकि एक्सक्रीट नहीं होंगी, तो उस केस में आप उस एंटीबायोटिक को प्रेफर करोगे जो रीनल सिस्टम से एक्सक्रीट होती ही नहीं, और वो हमारी होती है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन इन द बाइल थ्रू द फीसेस होती है, इसीलिए रीनल इश्यूज में हम डॉक्सीसाइक्लिन को प्रेफर करते हैं। तो ये आपका ये पॉइंट मेंशन है, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन फीसेस और बाइल एक्सक्रीशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे कि ऑर्गन टॉक्सिसिटी हमने डिस्कस कर ली, सॉरी मैंने किडनी को यहां मेंशन कर रखा है, लीवर और किडनी को, ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका। फोटोटॉक्सिसिटी, फोटो कुछ एंटीबायोटिक जो कि मैक्सिमम होता है फोटोटॉक्सिसिटी के लिए, जो इनिशियल एंटीबायोटिक थी हमारी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, लाइक टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो हमारी, लेकिन जो एडवांस एंटीबायोटिक थी, लाइक हम बात करें यहां पे डेमिक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन के लिए, तो मैक्सिमम फोटो सेंसिटिविटी होती है। ये जीपैट के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक हैज द मैक्सिमम फोटो सेंसिटिव रिएक्शन लाइक फोटोटॉक्सिसिटी, तो डिमेक्लोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। सन एक्सपोजर ऑफ लाइट, सडन एक्सपोजर ऑफ लाइट के केस में आपको एलर्जिक कंडीशन स्किन में दिख सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोटॉक्सिसिटी, और जो कि मेनली होती है डेमिक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन में सबसे ज्यादा। बोन और टीथ का इश्यूज मैंने आपसे डिस्कस किया, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है वहां पर चिलेट उस वजह से, और
एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट। जब एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट को आपको इस तरीके से पढ़ना है, आप जो ओवरऑल ये किसको कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट कर रहा है, राइट। और ये मैमेलियन सेल में जो इफेक्ट आ रहा है उसका, वो ओवरऑल ये आ रहा है कि ये क्या करता है कि एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट देता है। मींस लाइक आपके जो प्रोटीन का ओवरऑल लेवल है, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को प्रमोट करता है, ब्लड में मसल से नाइट्रोजन के लेवल को डिक्रीज करके ब्लड में प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ता है। और ब्लड यूरिया बढ़ने की वजह से जो आप ये इफेक्ट जो आपको मिलता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो आपको मिलता है एंटी एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मींस है, एनाबॉलिक मींस दो मॉलिक्यूल को आपने जोड़ा, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया। कैटाबॉलिक मींस एक बड़े मॉलिक्यूल को आपने ब्रेक करके दो छोटे मॉलिक्यूल बनाए। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एनाबॉलिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन किस तरीके से इफेक्ट दे रहा, एंटी एनाबॉलिक। तो इस चीज को आपको, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट, बिकॉज दे डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एज वेल एज यू कैन ऑल्सो से दे प्रमोट द निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड इंक्रीज द ब्लड यूरिया। There is one condition, demiclocycline. Demiclocycline, this is specific for only antibiotic which is demiclocycline. जैसा कि मैंने doxycycline के लिए बोला कि इसमें excretion में वो feces के through, bile के through release हो रही through the feces. इसी तरह demiclocycline के लिए आपको specific चूंकि characteristic है तो ज्यादा important हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि demiclocyclines जो होती हैं, वो demiclocyclines basically जो posterior pituitary से हार्मोन निकलता है, anti-diuretic हार्मोन। अब anti-diuretic हार्मोन क्या करने वाला है, diuresis को anti करने वाला है, means रोकने वाला है। तो अगर आप कोई ऐसा हार्मोन जो anti-diuretic हार्मोन है, अगर आप उसको ही रोक दोगे, anti-diuretic हार्मोन को ही रोक दोगे, तो diuresis क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब diuresis बढ़ जाएगी, इट मीन्स आपको diuresis एक मेन जो वजह बनती है किसकी, डायबिटिक इंसिपिडस की। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या सिम्टम होते हैं कि इंक्रीज्ड क्या होता है, मिक्चुरेशन, यूरिनेशन। तो उस केस में जैसे हम डिमेक्लोसाइक्लिन जब यूज करते हैं, ड्यू टू द एंटा डिमेक्लोसाइक्लिन हैज कैपेबिलिटी टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस बेसिकली डिमेक्लोसाइक्लिन का साइड इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्स इफेक्ट, राइट। तो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी में हम बेसिकली बात करेंगे उस एंटीबायोटिक की जो मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबल थी। तो मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबल कौन सी थी, मेनोसाइक्लिन। मेनोसाइक्लिन मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से दैट इन्फ्लुएंस द इनर पार्ट ऑफ द ईयर एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, एंड दिस इज लिमिटेड टू ओनली फॉर मेनोसाइक्लिन ओनली। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। हाइपरसेंसिटिव की भी बहुत वजह बनती है, हाइपरसेंसिटिविटी भी होता है बेसिकली इंट्राथीकल, इसको बिल्कुल भी एडवाइज नहीं किया जाता टेट्रासाइक्लिन को। सुपर इन्फेक्शन, बट ऑब्वियसली बात है क्योंकि सुपर इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी वजह हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में। सुपर इन्फेक्शन में हमने ये बात कही थी, जो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया को कवर करेगी, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, इट मींस हमारे जो गट फ्लोरा, जो हेल्पिंग गट फ्लोरा है, उनको भी डिस्ट्रॉय करेगी, और देयर में भी चांसेस कि आपको न्यू बॉर्न कोई डिजीज हो उन हेल्पिंग गट फ्लोरा के कम होने से, तो वो चांसेस ज्यादा होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में, इसलिए सुपर इन्फेक्शन के भी चांसेस ज्यादा है। अब हम इस सेम बात करेंगे क्लिनिकल यूज की। तो चूंकि ऑलरेडी जब हमने ये पढ़ रखा है कोकाई, बैसेलाई और कौन कौन से बैक्टीरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लाइक क्लिनिकल यूज में अगर हम बात करें, एक पॉइंट यहां पे ये रह गया एडवर्स इफेक्ट में, इरिटेटिव इफेक्ट। ड्यू टू इट्स नेचर एंड इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका नेचर, इसका जो स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन है, वो इस तरीके का है कि जब आप ओरली इंजेक्शन करते हैं इस एंटीबायोटिक का, टेट्रासाइक्लिन्स का, तो ये आपके स्टमक को, जीआईटी ट्रैक को क्या करता है, इरिटेट करता है, और उस इरिटेशन जीआई म्यूकोसा को इरिटेट करता है। उस इरिटेशन की वजह से देयर मे बी चांसेस ऑफ डायरिया, देयर मे बी चांसेस ऑफ वॉमिटिंग, उसको हम कंसिडर करते हैं किसमें, इरिटेटिव इफेक्ट में। अब बेसिकली हम बात करेंगे किसकी, क्लिनिकल यूज की। क्लिनिकल यूज में पहला पॉइंट है इंपीरिकल थेरेपी। तो आपको यह समझना होगा कि इंपीरिकल थेरेपी हम बोल किसको रहे हैं। देखिए इंपीरिकल थेरेपी मतलब ओवरऑल हम बोल रहे हैं कि एक कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट जहां पे इंफेक्शन मिक्स्ड हो।
आपको बहुत आप ये एश्योर ना हो कि जो हमारा कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा है जिसकी वजह से हमको ये इश्यूज हो रहे हैं, डिजीज हो रही है। तो जब मिक्स्ड इन्फेक्शन की हम बात करेंगे तब हम इंपेरिकल थेरेपी में एक जस्ट एक हिट वाली बात है, हिट एंड ट्रायल, तो उस वाली बात में इंपेरिकल थेरेपी में ज्यादा से ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स को। क्यों? क्योंकि उसकी वजह होती है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इंपेरिकल थेरेपी में हम यूज करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक वेनेरियल डिजीज में हम बात करें, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, चाहे तो हम यूरोथराइटिस की बात करें, एंडो सर्विसाइटिस की बात करें, लिम्फोग्रेनुलोमा की बात करें, और ये हम बात करें जेनाइटल इंग्यूनेल की बात करें, तो इस केस में ये फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि क्लैमाइडिया को इनहिबिट कर रही है और क्लैमाइडिया रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एसटीडीज के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। इसके बाद एटिपिकल न्यूमोनिया में फर्स्ट चॉइस है कॉलरा, ब्रुसेलोसिस, प्लेग, बोरेला डिकरेंट्स, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, जो कि ऑलरेडी हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अदर्स सेकेंड चॉइस भी कुछ कैटेगरी में ये सेकेंड चॉइस होती है। जैसे सेकेंड चॉइस का मीनिंग क्या है, लेट सपोज कि हमारा पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन फर्स्ट चॉइस होती है एंथ्रैक्स में और टिटैनस में, लेकिन पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन किसी वजह से या रेजिस्टेंट की वजह से अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो सेकेंड चॉइस होगी वो हमारी टेट्रासाइक्लिन होगी एंथ्रैक्स और टिटैनस में। सेम इसी तरह फर्स्ट चॉइस हमारी सेफ्ट्रियाजिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैंक्रोइड में है, लेकिन सेकेंड चॉइस में हम क्या रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन। सेम इसी तरह हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट गोनोरिया की जब बात करते हैं तो उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट गोनोरिया में हम सेम सेफ्ट्रियाजिन, एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। ये दो को इसीलिए मैंने इससे दिखा रखा है सिंबल से, क्योंकि ये दोनों सेम है प्लस एमोक्सिसिलिन है, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट गोनोरिया में यूज करते हैं। लेकिन अगर ये किसी वजह से हमको इनको नहीं दे सकते किसी इंडिविजुअल कुछ वजह से, तो उसके लिए सेकंड चॉइस हमारी क्या है, टेट्रासाइक्लिन। इसी तरह हमारे कुछ अदर इश्यूज हैं लाइक यूटीआई, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और क्रॉनिक एमोबियासिस, लाइक हम बात करें वल्गैरिस की बात करें, और हम बात करें क्लोरोकिन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, तो क्योंकि ये प्लाज्मोडिया को भी, प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडिया को भी इनहिबिट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको फिर भी कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।